भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जगत जननी मां भगवती चंडी देवी और माता मनसा देवी के पावन दरबार को कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुओं की साधना, उनकी भक्ति और शक्ति के इस अद्भुत संगम के चंडीगढ़ में आप सभी चंडीगढ़ वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संख्या में चंडीगढ़ में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज आप सबके बीच में यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि से आया हूं। आप सबको राम राम। बहनों और भाइयों, जगत जननी मां भगवती चंडी देवी और माता मनसा देवी के दरबार में गुरुओं की परंपरा के साथ जुड़ना अपने आप में हर व्यक्ति को आह्लादित कर देता है। और मेरे लिए आप सबके बीच में आना, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आपके बीच में आना, और वह भी तब आज पंचम चरण का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश की भी 14 लोकसभा सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 4 चरण के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मैं निश्चिंत होकर के चंडीगढ़ में हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भाव चंडीगढ़ का है, जो भावना पूरे देश की है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वही तो उत्तर प्रदेश का भी है। पहली बार हो रहा है कि पहले अभी पांचवां चरण का है, 2 चरण इसके बाद भी है, लेकिन देश निश्चिंत है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे तो हम लोग। निश्चिंत हैं क्योंकि परिणाम के बारे में जनता जनार्दन पहले से ही तय कर रखी है कि तीसरी बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो वह अगर 400 सीट पर चुनाव लड़ती तो वो भी कह सकती थी, लेकिन उसको उसके कारनामों के कारण देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, जब जनता जनार्दन से कांग्रेस के लोग पूछते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पूछते हैं कि 400 पार का मतलब क्या है, तो जनता जनार्दन उसका जवाब दे देती है, कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि जो राम का है वही राष्ट्र का है, जो राम का है वही हमारा है, बाकी किसी काम का नहीं है। और बहनों और भाइयों, अगर आपको देखना है, पूरा चुनाव अब इसके इर्द गिर्द ही घूम चुका है, पूरा चुनाव लोकसभा के पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के नेता तो पहले प्रभु राम को नकार चुके थे, पहले इन्होंने कहा था कि राम का राम तो हो ही नहीं, इन लोगों ने पहले ही कहा था, और अभी चुनाव के दौरान भी इनके एक बुद्धिदाता कह रहे थे
कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते, भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही। लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना दो। लेकिन बहनों और भाइयों उनको याद आ जा रही है, क्योंकि भगवान जब किसी की बुद्धि फेरते हैं तो उसको पहले उल्टी बुद्धि दे देते हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और ये आज कांग्रेस के अंदर आप देख सकते हैं, आज कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ चुकी है। और इसके जितने भी अन्य सिपहसालार हैं, इनके सहयोगी दल हैं, वे भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना है, कोई कहता है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या इनके अन्य सहयोगी दल, ये पहले दिन से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। और कहते थे पहले न्यायालय को भी धमकाते थे कि अगर राम मंदिर का फैसला हुआ तो दंगे हो जाएंगे, राम मंदिर का फैसला हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। जब 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लोगों ने पूछा कि क्या होगा, हमने कहा यूपी में अब दंगा नहीं होगा, कोई दंगा करेगा तो फिर उल्टा टांग देंगे उसको। और बहनों और भाइयों, आप तो सभी जाते होंगे, मैं देखो मेरा तो जन्म उत्तराखंड में हुआ था, मैं काम उत्तर प्रदेश में कर रहा हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जंक्शन है, हमारी बोली भोजपुरी है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। और जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आना था, लोगों ने कहा क्या होगा, लोग सशंकित थे। मैंने कहा भी देखो एक तिनका नहीं हिलने वाला है, कोई एक तिनका नहीं हिला सकता है। आज का दिन इस ब्रह्मांड का सबसे शांत और सौहार्दपूर्ण दिन होगा। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त, और दंगे ही नहीं समाप्त हुए हैं, अब तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़नी भी लोगों ने बंद कर दी है। अब तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की मीनारों से माइक भी उतर गए हैं, वो कह रहे हैं भैया अब हम लोग भी शांति से रहना चाहते हैं। तो ये शांति और सौहार्द की भूमि आज उत्तर प्रदेश बनी है। और अब तो अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो गए हैं, कौन ऐसा भारतीय होगा। बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने आप को गौरव की अनुभूति न करता हो अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के लिए। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमारे सामने आया है, और इसीलिए हर जन से एक ही स्वर उड़ रहा है, और वह है कि जो राम को लाए हैं हम उनको। बहनों और भाइयों, हमारा भारतीय समाज कृतज्ञता ज्ञापित करना जानता है, और कृतज्ञता किस रूप में हम व्यक्त करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा, आप याद करिए बहनों और भाइयों, आप याद करिए, जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़कर के भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। कहीं भी कोई संकट आ जाए, यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं, इन्होंने समस्या दिया, इन्होंने आतंकवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया, विरासत में इन्होंने भ्रष्टाचार देश को दिया, अराजकता देश को दी, और साथ साथ अव्यवस्था का जो आलम है
जब भी संकट आता है वो मैं बाप से पूछना चाहता हूं, इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड। कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? चंडीगढ़ आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे, उत्तर प्रदेश से वो सांसद थे उस समय, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। और जब हम लोगों ने सभी सांसदों से बात करना प्रारंभ किया है, भाई हालचाल लें, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता, मोदी जी ने तो सबको भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा था कि संगठन नहीं सेवा ही संगठन है, सेवा सेवा का कार्य करना है। और बहनों और भाइयों, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में गांव गांव जाता था, जनपद जनपद में जाता था। 1 करोड़ प्रवासी उत्तर प्रदेश में आए थे, जो बिहार जाने वाले थे, बंगाल जाने वाले थे, झारखंड, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और फिर इधर से राजस्थान की ओर जाने वाले थे, उत्तराखंड जाने वाले थे। इन सब की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रह करके मैं कर रहा था। 14,000 बसेज मैंने लगवाई थी इसके लिए, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि लॉकडाउन है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। हमने कहा भी देखो, ये सब हमारे नागरिक हैं, उनका अधिकार है और जो भी करना पड़ेगा हम जान पल खेल करके उनकी सेवा करेंगे, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चंडीगढ़ यूनिट को, खासतौर पर संजय टंडन जी को और उनकी पूरी टीम को। चंडीगढ़ में इन्होंने जिस प्रकार का अद्भुत कार्य किया था सेवा का, बहन और भाइयों, वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। बेहतरीन कार्य किया था, लगातार कई महीनों तक चंडीगढ़ भाजपा की यूनिट कोरोना कालखंड में हर जरूरतमंद को फ्री में लंगर करवाने का, भोजन करवाने का काम कर रही थी, उनकी सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ काम कर रही थी। लेकिन बहन और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं राहुल गांधी आए होंगे, कहीं नहीं नजर आए होंगे, कहीं मनीष तिवारी नजर आए होंगे, कहीं नहीं नजर आए होंगे, क्योंकि ये तो सब उड़न खटोला है जी। आज आएंगे, फिर चुनाव लड़के फिर गायब हो जाएंगे, फिर कोई अता पता नहीं होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो आपके संकट में आपके साथ नहीं हो सकता, जो आपके सुख दुख में आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, जो आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकता, जो आपकी विरासत को सम्मान नहीं दे सकता है, जो आपके विकास के बारे में जिसके पास कोई विजन न हो और जो गरीबों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके हम लोग स्वयं भी बाप के भागीदार कतई न बने, क्योंकि आपके द्वारा चुना गया वोट की ताकत, जो ताकत है आपके पास, ये ताकत आपको पाप का भी और पुण्य का भी भागीदार बनाता है। अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो पुण्य हमें प्राप्त होता है, लेकिन अगर गलत चुनते हैं तो उसके पाप में हम भी भागीदार हो जाते हैं। आपने देखा होगा आज भारत यशस्वी बन रहा है, भारत के अंदर खुशहाली है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता है, आतंकवाद और नक्सलवाद और अराजकता की समस्या का समाधान हुआ है। तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मोदी जी को चुना था, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। बहन और भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदल करके रख दिया है। आज कोई भी भारत पर गौरव की अनुभूति करता है, दुनिया में कोई संकट आता है, मोदी जी संकट मोचक के रूप में माने जाते हैं, उस समस्या का समाधान मोदी जी के पास है, भारत के अंदर इन समस्याओं का समाधान होता है। और अब तो मैं ये भी देखता हूं, पहले जब आतंकी विस्फोट होते थे, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष भारतीय मारे जाते थे, कभी मुंबई का विस्फोट, कभी दिल्ली का विस्फोट, कभी राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला, कभी काशी में संकट मोचन पर आतंकी हमला, कभी भोपाल का विस्फोट, कभी बेंगलोर का विस्फोट। मैं सांसद था और इसको संसद में मुद्दे को उठाते थे,
तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी कि आतंकवाद तो सीमा पार से है, और आज आतंकवाद का समाधान भी हुआ। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान पहले सफाई दे देता है। दम होनी चाहिए, और दम आज मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने दिखाने का काम किया है, और इसीलिए बहनों और भाइयों आज हम आपके पास आए हैं कहने के लिए। आज आप देख रहे होंगे 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में कितना बेहतरीन विकास देश के अंदर हुआ। 4 लेन की कनेक्टिविटी, आज से 12 वर्ष पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया था बाई रोड, मुझे 10 घंटे लगे थे, और बहनों और भाइयों आज के दिन पर हम 3 से 3.5 घंटे के अंदर दिल्ली से चंडीगढ़ आ सकते हैं। ये दूरी कम की है मोदी जी ने। ट्रेन में वंदे भारत, अमृत भारत और अमृत नमो भारत ट्रेन, वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सुविधा आज मिल रही है, मेट्रो की सुविधा मिल रही है, IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। हर घर नल और नल में जल, ये भी RO का जल, ये काम भी मोदी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। बहनों और भाइयों विकास भी है। याद करिए कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, गरीबों को राशन नहीं मिलता था, और मोदी जी देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, और राशन की सुविधा भी ऐसी कि हमारे यूपी और बिहार का भाई तो कोई होगा, अगर कार्ड यूपी में है या बिहार में है, राशन चंडीगढ़ में ले सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था यह भी मोदी जी ने दी। आयुष्मान भारत का कार्ड 60 करोड़ लोगों को दे दिया गया है, और 5 लाख रुपए तक का उपचार वे कहीं भी करा सकते हैं। और यही नहीं, अभी तो मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार आते ही 70 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत का कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों कांग्रेस के पहले एक प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया था कि हम 100 पैसा भेजते हैं, नीचे 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा कांग्रेस के दलाल खा जाते थे, यही था ना। और मोदी जी ने घर गरीब का खाता खोल दिया, 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं, 100 का 100 पैसा उसके खाते में जाता है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। कहा सुशासन की ये सबसे अच्छी सबसे सटीक उदाहरण है, पैसा आपके खाते में जा रहा है। किसान कांग्रेस के समय आत्महत्या करता था, आज 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया है, और बहनों और भाइयों 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा कि इस बार आएंगे, आते ही शेष बचे हुए परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, अभी इसे कार्य योजना बन चुकी है। बहनों और भाइयों मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक लंबी फेरस्त है लोक कल्याण की, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, समाज के विभिन्न तबके के लिए उन्होंने काम किया। क्या किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी के क्षेत्र या किसी भाषा को देखा? नहीं, उनका तो मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। उनका मंत्र ये नहीं था जो कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहां देश का हिंदू जाएगा, कहां सिख जाएगा? और अभी तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है, आप देखो हिंदू और सिख, बौद्ध और जैनी,
इन सभी लोगों को जो प्रताड़ित थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जैसे ही नागरिकता देनी प्रारंभ हुई, आप देखे कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग गया। कह रहे सब क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, पीड़ित मानवता की सेवा भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन एक कांग्रेसियों को देखो ना, ये दुर्बुद्धि है, इनके अंदर दुर्योधन की आत्मा प्रवेश कर गई है, ये मानने वाले नहीं है। और इसीलिए उस समय कहते थे कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और हम कहते थे कहां जाएगा हमारा हिंदू, कहां जाएगा हमारा दलित। आपने देखा होगा मोदी जी ने अयोध्या में रामलला को विराजमान करा दिया, और रामलला को विराजमान कराने के बाद पहले रामलला को विराजमान बाद में कराया, पहले अयोध्या में हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने राम से हमारा साक्षात्कार कराया, उनके नाम पर अयोध्या का एयरपोर्ट। और इसीलिए मैं वाल्मीकि समुदाय से भी कहना चाहूंगा, आइए ना अयोध्या में, वाल्मीकि जी की गुण गाथा को आप अयोध्या में देख करके सम्मान का अनुभव करेंगे। राम के साथ अपना संवाद और अपना संबंध जोड़ करके गौरव की अनुभूति करेंगे। और हम लोगों के लिए तो ऐसा कार्य हो गया है कि लोग भी अच्छा, आप सबसे मैं कहूंगा, आप कह सकते हैं वर्तमान पीढ़ी से कि हां, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हमने कराया है। आप बोलिए, जोर से बोलिए। नेतृत्व मोदी जी का है, कोई संदेह नहीं, लेकिन मोदी जी को ताकत आपके एक वोट से मिलती है। कमल चुनाव चिन्ह पर जो वोट आप देते हैं, ये सीधे मोदी जी के पास जाता है, वो मोदी जी की ताकत होती है, और तब मोदी जी इतने कड़े फैसले लेने में सहमत होते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, बहन और भाइयों, ये गठबंधन नहीं है, यह तो है मिलकर के जीतेंगे तो साथ साथ लूटेंगे। लूटने के लिए है, कल्याण करने के लिए नहीं है। देख रहे हो ना पंजाब में कैसे माफिया और अपराधी अभी होकर के चलते हैं। अरे हमने यूपी के अंदर ये सभी माफियाओं को उल्टा टांग दिया है, टांग दिया सबको। यूपी में आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया थे, उन सब की कब्रों में कोई मर्सिया पढ़ने के लिए भी नहीं बचा हुआ है, कोई नहीं पढ़ता जी, कोई पूछता नहीं। एक कांग्रेस के लोगों के लिए अब केवल माफियाओं के लिए मातम मनाने के लिए इनको छोड़ दीजिए, ये लोग नहीं लड़ पाएंगे इन माफियाओं के साथ, इनके खिलाफ भाजपा लड़ेगी, भाजपा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार के अफवाह फैलाएंगे। बहनों और भाइयों, अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ क्यों की है। इसलिए किया है क्योंकि पहले इन्होंने देश को बांटा, फिर समाज को बांटा, अब इनकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर पड़ गई है। आपने देखिए कांग्रेस के एक बुद्धिदाता ने क्या कहा है, कहा है कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो सभी की संपत्ति की सर्वे करवाएगी और फिर वरासत टैक्स लगाई। वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं? आपके बाप दादों की जो प्रॉपर्टी होगी, जो संपत्ति होगी, जो पैसा होगा, जो जेवर होगा, जो जमीन होगी, जो मकान होगा, उसमें से आधा ये कांग्रेस के लोग लेकर के मुसलमानों को आमंत्रित कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे ये तो इतिहास में हमने एक मुगल बादशाह का नाम सुना था, औरंगजेब का। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, कहा था या तो इस्लाम स्वीकार करो और नहीं तो जजिया कर दो। बहनों और भाइयों, औरंगजेब कोई मुसलमान भी, सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की सत्ता के लिए, और फिर अपने बाप को ही जेल के अंदर डाल करके पानी के एक बूंद के लिए तरसाया था, एक एक बूंद के लिए तरसाया था, और अपने सत्ता पे कब्जा कर लिया था।
हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उसके खिलाफ उस समय हिंदू राजाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, गुरुओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, सिख गुरुओं ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कश्मीर के हिंदुओं को बचाने का काम गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में किया था। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए ही आया हूं, एक कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। हमें देश के अंदर दूसरा औरंगजेब नहीं पैदा होने देना है। ये भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत तो मोदी जी ने 10 वर्ष में बनाया है, हमें भारत को अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ना है, जिससे हर नौजवान के हाथों को रोजगार दे सके, हर व्यापारी और बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली ला सके। इसके लिए भाजपा आवश्यक है और इसीलिए मैं चंडीगढ़ में आया हूं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। देंगे देंगे आप लोग? बहनों और भाइयों, पहली जून को आपका चुनाव है, पहली जून को है, और इसीलिए मैं आया हूं आपके पास। समय आज 20 मई है, आपके पास 10 दिन का समय है प्रचार के लिए। इन 10 दिनों में आप सभी चंडीगढ़ वासियों के घर में, और खास तौर पर यूपी, बिहार, उत्तराखंड और वाल्मीकि समुदाय के साथ में जाकर के बोलिए कि महर्षि वाल्मीकि को सम्मान है। जो राम को ही नहीं मानते, वाल्मीकि को कैसे मानेगा कांग्रेस के लोग, कहां मानेंगे? और महर्षि वाल्मीकि हमारे लिए पूज्य हैं, क्योंकि और इसीलिए मोदी जी ने मुझे कहा कि रामलला का विराजमान होने के पहले महर्षि वाल्मीकि का पूजन होना है। हमने कहा एयरपोर्ट का नामकरण का प्रस्ताव मैं भेज रहा हूं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने यूपी में बनाया है, और भी अयोध्या का एयरपोर्ट। इसलिए उनके पास भी जाइए और उन सबसे कहिए हमें भारत को नया भारत बनाना है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। इसके लिए मोदी जी आवश्यक हैं। और बहनों और भाइयों, एक एक व्यक्ति, एक एक जितने भी लोग यहां पे आए हैं, मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप सभी भाजपा के कमल चुनाव चिन्ह पे वोट देंगे? सभी लोग जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तो दोनों हाथ लगा के मुझे बताओ, पहले यहां से संजय टंडन जी को जिता के भेजेंगे? भेजेंगे, लेकिन इसके लिए दो काम करने होंगे आपको। पहला काम, 10 दिन का चुनाव बाकी है, प्रतिदिन हर मतदाता, जितने लोग यहां पे आए हैं, हर मतदाता तय करे कि मैं 5 घर कमल चुनाव चिन्ह के लिए 5 घर में जनसंपर्क करूंगा। करेंगे? 10 दिन का मतलब 50 घर में कर लेंगे, और चुनाव के दिन उन्हें मतदान केंद्र में ले जाना है, फिर मतदान कराना है। करेंगे? अरे देखो, मोदी जी ने पूरा जीवन देश के लिए दिया है, आप 10 दिन का समय देश की खातिर दे देंगे एक अच्छी सरकार बनाने में, तो देश की आवाज के साथ आप भी जुड़ जाएंगे। और जो कन्हैया मित्तल कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं, सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ लगा के बताओ मुझे, जहां तक पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।